हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल चटकारा कॉर्नर। आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल सैंडविच बर्फी। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट व दिखने में बहुत सुंदर लगती है, तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मावा बना लेते हैं। ये मावा बनाने के लिए हमने 2 कटोरी दूध ले लिया है। इसे हम लगातार चलाते हुए 1 कटोरी कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें 2 कटोरी मिल्क पाउडर डालना है, तो मिल्क पाउडर का आधा ही दूध होना चाहिए, इसलिए हम इसे लगातार चलाते हुए 1 कटोरी बनाने तक पकाएंगे। ये 1 कटोरी दूध पककर रह चुका है, अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे 1/2 कटोरी घी। घी पिघल चुका है क्योंकि काफ़ी गर्मी है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें ये धीरे धीरे मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे डालना है। गैस की फ्लेम हमें कम ही रखनी है, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा डालकर और इसे पकाना है। इसे छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है। ये हमारा मावा मिक्स हो चुका है, हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये पैन ना छोड़ दे, यानी बिल्कुल चिपकना बंद कर दे। ये मावा कढ़ाई से बिल्कुल अलग हो चुका है। इस तरह से हम इसे मावा बनाकर हमने बाउल में निकाल लिया है। अब हम चाशनी बनाना स्टार्ट करते हैं। चाशनी के लिए मैंने ये 1 कटोरी पानी ले लिया है और इससे डबल हम चीनी लेंगे, यानी 1 छोटी कटोरी पानी लिया है तो उससे डबल 2 कटोरी हम चीनी डाल देंगे इसमें। और इसे चलाते हुए हमें 2 तार की चाशनी बनानी है। चीनी में जब तक उबाल नहीं आए तब तक हमें चलाते रहना है, और उसके बाद बीच बीच में हम इसे चलाते हुए 2 तार की चाशनी बना लेंगे। ये कढ़ाई में मैंने घी गरम करने के लिए रख दिया है। जितनी मात्रा में मैंने सूजी ली है उतनी मात्रा में ही मैंने ये घी रखा है, और ये मैं घी से गरम करके पहले गोंद के फूले निकाल लूँगी। गोंद को हमें पहले घी गरम होने के बाद में और फूले निकालने होते हैं। ये आपको पता ही होगा, इस तरह का होता है देखने में। अगर ये आप ना डालना चाहें, नहीं आपको अच्छा लगता है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसके बिना भी हमारी सैंडविच बर्फी बन जाएगी। ये घी हमारा देख चेक कर लेते हैं गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। इसे 1 या 2 गोंद डालकर देख लेंगे पहले। ये देखिए फूल कर ये ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब घी हमारा गर्म हो चुका है। इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे चटकने तक इस तरह से अच्छे से फुला लेंगे। गैस की फ्लेम हमें ज़्यादा तेज नहीं रखनी है, नॉर्मल ही रखनी है, वरना गोंद हमारा जलकर काला हो जाएगा। ये देखिए इस काम को हमें फटाफट करना है। पहले गोंद एक बार घी में डालते ही चिपक जाता है आपस में, और जैसे ही ये अच्छे से फूल कर तैयार हो जाता है ये एकदम अलग हो जाता है, देखिए इस तरह से। और अब हमें गैस को एक बार बंद करके और सावधानी से इसे निकाल लेना है। निकालते हुए निकाल लेंगे इस तरह से। हमने फुला कर निकाल लिया है, देखिए कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा गोंद फूल कर इतनी मात्रा में तैयार हो गया है। अब हम इसे रख देंगे साइड में और हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। इस घी में अब हम ये डाल देंगे 2 कटोरी सूजी या रवा। ये आप बारीक या मोटा जो भी हो आपके पास वो ले सकते हैं। इसे हम इस तरह से घी में डाल देंगे और इसे चलाएंगे। उसके बाद इसमें ये 1 कटोरी डालेंगे मैदा, यानी जितनी मात्रा में हमने सूजी ली है उससे आधी मात्रा में हम ये लेंगे मैदा। इसे भी डाल देंगे और इसे अच्छे तक गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। ये घी बाद में छोड़ देती है सूजी, एक बार आपको ऐसे लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा सूखा सूखा हो गया है, लेकिन घी इसमें कम नहीं है। और इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे, फ्लेम को ज़्यादा तेज नहीं रखना है, वरना सूजी हमारी कड़क हो जाएगी और टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा।
ये सूजी हमारी अच्छे से सिक चुकी है। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और घी भी छोड़ दिया है। इसे सिकने में करीब 10 से 11 मिनट लगे हैं। आप टाइम का ध्यान रखिए। बस ये हमें इसे इतना ही सेकना है और अब हम चेक कर लेते हैं हमारी चाशनी। चाशनी को मैंने फिर से गर्म करने के लिए रख दिया था। ये इसे एकदम ऊपर से जाग आ रहे हैं। इसे मैं चेक करवा देती हूँ। इसे हम पानी में डालकर भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से नीचे डालने से फैल रही है, तो इसका मतलब हमें कुछ थोड़ा सा इसे और पकाना है, 1 मिनट और पकाने की आवश्यकता है। अगर आपकी चाशनी वाइट नहीं हो और चीनी में गंदगी हो तो उसे निकालने के लिए हम थोड़ा सा दूध डालकर और फिर छलनी से इसे निकाल सकते हैं। लेकिन मेरी चीनी एकदम साफ थी तो इसमें गंदगी नहीं थी, तो मैंने इसे नहीं निकाला है। बस ये इतनी तैयार करनी है हमें। ये ठंडा करने के बाद थोड़ा सा हमें इसको चेक करना होता है। ये देखिए किस तरह से टपक रही है, और जो लास्ट ड्रॉप होगा उसे हम पानी में डालकर देख लेंगे। अगर वो जम रहा है तो इसका मतलब चाशनी एकदम तैयार है। ये लास्ट ड्रॉप, ये देखिए, ये लास्ट ड्रॉप देखिए और पहले की चाशनी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि चाशनी अब तैयार हो चुकी है। अब हम इसे बंद कर देंगे और फिर से हम चलेंगे अपना सूजी वाले सामान के साथ। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये मावा। मावा मैंने जब बनाया था तो आधा मावा मैंने उसमें से निकाल लिया था और आधे में कलर डालकर रख लिया था। आधे में मैंने रेड फूड कलर डाल दिया और आधा ये वाइट लिए। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे बनी हुई चाशनी। ये देखिए चाशनी डालने के बाद हमें इसे फटाफट चलाना है। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है और इसे हम फिर ऐड करेंगे ये गोंद जो हमने फुलाकर निकाल लिया था। ये देखिए इस तरह से, और अब हम इसे फटाफट ही जमा लेंगे वरना ये टाइट हो जाएगा। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, बस हमें इतना ही पकाना है। सैंडविच बर्फी की सामग्री सारी तैयार हो चुकी है, अब हम इसे जमा देंगे। हम एक थाली में घी को लगाकर इसे फैला लेंगे ताकि बर्फी हमारी चिपके नहीं। ये हम सैंडविच बर्फी बनाएंगे, इसलिए हमें इस थाली के अंदर आधा बैटर पहले डालना है, आधा फिर बीच के अंदर मावा लगाएंगे और ऊपर से फिर हम वापस ये बैटर लगाएंगे। अब ये पहले हम जो सूजी और मैदा हमने सेका था उसको आधा डाल लेते हैं। जितनी क्वांटिटी है टोटल उसका आधा हम इसमें डालेंगे। ये आधा हो चुका है, अब हम इसे थोड़ा सेट कर लेंगे इस तरह से, चमचे से या किसी पलटे से आप सेट कर लीजिए। इसे अच्छे से ऐसे सेट करना है वरना फिर बीच की लेयर हमारी अच्छे से सेट नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से, और अब हम इसमें ये ऐड करेंगे मावा। इसमें हमने रेड कलर डाल लिया था, इसे हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे क्योंकि इसकी लेयर भी बराबर होनी चाहिए। इस तरह से इसे पूरा हमें फैलाना है, इस तरह से हमें एक साथ फैला लेंगे। ये सारे मावे को हमने अच्छे से लेयर के रूप में फैला लिया है। अब हमें इसे 15 से 20 मिनट फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देंगे और इसकी ऊपर की लेयर हम बाद में लगाएंगे। अगर हम अभी इसमें ऊपर का बैटर डालेंगे तो बैटर इसके अंदर बैठ जाएगा। ये फ्रिज में रखने के बाद 15-20 मिनट इस तरह से हो गई है। ये देखिए थोड़ी सी लेयर इसकी ऊपर से टाइट हो गई है। अब हम इसमें ये ऊपरी लेयर डाल देंगे जो सूजी वाला बैटर था उसकी। ये इसमें बैठेगी नहीं अब क्योंकि ये ठंडी हो चुकी है। इस तरह से फैलाते हुए अच्छे से हम इस पे डाल देंगे। इसकी लेयर ऊपर से बराबर आनी चाहिए, बस हमें ये ध्यान रखना है।
ये इस तरह से हमने पूरे बैटर को फैला दिया है। अब मैं इस पर डाल दूंगी नारियल का बुरादा। ये नारियल का बुरादा मैंने रेडीमेड लिया है, आपके पास सूखा गट या खोपरा जो भी हो आप उसे भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। इस तरह से अब मैं इस पर डाल दूंगी ये थोड़े से कटे हुए बादाम। कटे हुए बादाम डालने के बाद हम इसमें सूखने के बाद इसको थोड़ा सा कट लगाएंगे। अभी हम इस पर अगर कट लगाएंगे तो सही से नहीं लग पाएंगे इसे, करीब आधा घंटा के बाद हमें इस पे कट लगाना है। थोड़ा ठंडा कर कर ये सैंडविच बर्फी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। इसे मैंने आधा घंटा फ्रिज में रख दिया था तो ये एकदम अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसे काट लेंगे। इसे काटने के लिए हमें थोड़ा सा तीखा चाकू लेना है और फिर इस तरह से हम इसे काट लेंगे। आप अपनी मर्जी से इसकी शेप काट सकते हैं, चौकोर या फिर कतली की शेप में, जैसा आप चाहें वैसा इसे काट सकते हैं। इस तरह से हम काट कर इसे पूरी निकाल लेंगे। ये सैंडविच बर्फी कट लगाने के बाद पूरी तैयार हो चुकी है। अब हम इस पर लगा देंगे ये काजू। काजू को मैंने बीच से दो हिस्से कर लिए हैं। इस तरह से हम इस पे सारी बर्फी पे लगा देंगे। ये सैंडविच बर्फी पे मैंने काजू और बादाम लगाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे निकाल कर दिखाती हूँ। अभी तो गर्मी है क्योंकि, तो हम इसे इजीली निकाल सकते हैं। अगर सर्दी हो तो सर्दी के मौसम में हमें थोड़ा सा इसे नीचे से गर्म कर लें, थाली को गैस पर थोड़ा सा हीट लगा लेंगे तो ये इजीली निकल जाती है। इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। वाह, ये देखिए, ये हमारी बर्फी साइड से देखिए, और इसे हम इस तरह से रख कर अलग कर लेंगे और एक एक बर्फी को इस तरह से अलग कर लेंगे। इजीली हो जाती है, बस इसमें चाशनी का हमें सिर्फ ध्यान रखना होता है, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है।